मैं इंजीनियर राकेश गुप्ता सोल्जर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का Part 3 देखेंगे। Part 1 और Part 2 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है उसे पहले देख लेंगे तो तीसरा पार्ट समझने में आसानी होगी। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से किसी भी पदार्थ पर आवेश आता है, बस इतनी सी चर्चा की थी। पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो धन आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन को हमने भेज दिया तो यहाँ पर ऋण आवेश आएगा, बस इतनी सी बात हम लोगों ने चर्चा की थी। फिर हमने दूसरे वाले में ये फोकस किया था कि अगर दो आवेश हैं तो इस पर आवेश मान लेते Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा यानी बल होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 / R² होगा। और K के बारे में चर्चा किया था कि 1/4π ε0 K और स्मॉल के को हम लोगों ने परावैद्युतांक कहा था, और अब साइलेंट नॉट को कहा था निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी वैल्यू भी निकाल कर रखा था कि 8.85 × 10−12, और यूनिट के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। जो आज की क्लास का टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बातें होती हैं, इसको आराम से समझना है हमको कि आखिर में वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो वैद्युत क्षेत्र को समझना है तो हम लोग कुलाम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कुलाम ने क्या बताया था कि अगर एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा लगेगा। अब मैं इस आवेश को थोड़ा सा और दूर लेके जाऊँ, इस पर फिर भी बल लगेगा, लेकिन जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, इस सूत्र के हिसाब से K Q1 Q2 / R² के हिसाब से, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी यानी कि R बढ़ेगा, लगने वाला बल घटता जाएगा। इसको और दूर कर देते हैं, लगने वाला बल और दूर और कम हो जाएगा। इसको और दूर कर देते हैं, लगने वाला बल और कम, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इसके बाद इसको रखेंगे तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसके अंदर अगर आपने किसी दूसरे आवेश को लाया तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये जो चारों तरफ क्षेत्र बन गया है ना, इसी को हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका गुण ये है कि इसके अंदर किसी दूसरे आवेश को आपने लाया तो इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण कब लगेगा, जब विपरीत आवेश होंगे, और प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब समान आवेश होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बात तो समझ में आ गई। तो वैद्युत क्षेत्र की अगर कोई परिभाषा पूछे तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा के लिए सीधे से एक लाइन बोल सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाए जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। ठीक है, अच्छा अब समझिए आगे की बात। तो वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि किसी भी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाए जाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, बस। इसके बाद की जो कहानी है, इसके बाद की कहानी ये है कि अगर हम एक आवेश यहाँ पर बनाएं तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, ये हमने सीख लिया। अगर हम यहाँ पर दो बिंदु गिने, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, तो बिंदु ए पर इस आवेश का प्रभाव ज़्यादा होगा और बिंदु बी पर इस आवेश का प्रभाव कम होगा। मतलब देखने में लग रहा है कि बिंदु ए पास में है तो इस पर प्रभाव ज़्यादा होगा और बिंदु बी पर प्रभाव कम होगा, लेकिन कितना ज़्यादा है कितना कम होगा ये कैसे डिसाइड होगा। इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास दो भौतिक राशियाँ हैं। एक भौतिक राशि है आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव, दोनों ये बता सकते हैं कि वास्तव में बिंदु ए पर परिमाण कितना है और बिंदु बी पर परिमाण कितना है वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत विभव केवल और केवल परिमाण बताएगा, केवल और केवल परिमाण बताएगा, इसलिए यह कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन दिशा भी बताएगा, परिमाण तो बताएगा ही बताएगा दिशा भी बताएगा, इसका मतलब यह कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी।
ठीक है। तो हम लोगों को नेक्स्ट जो चैप्टर टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं बड़ा आराम से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब क्या है कि हमको किसी भी आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी एक बिंदु पर मुझे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मुझे इस बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा परीक्षण आवेश। क्या लेना पड़ेगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, परीक्षण आवेश क्या है। पहली बात तो परीक्षण आवेश को हम बार बार क्यू नॉट से दिखाएंगे, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से दिखाएंगे। दूसरी बात, ये कैसा आवेश होगा, धनात्मक होगा। और तीसरी बात, ये परिमाण में कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। मतलब हमको इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम उसके लिए एक परीक्षण आवेश लेंगे, और परीक्षण आवेश कैसा होगा, सूक्ष्म परिमाण का धनात्मक आवेश होगा, और इसे हम लोग क्यू जीरो से दिखाएंगे या क्यू नॉट से दिखाएंगे, ठीक है। तो हमको अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम यहाँ पर परीक्षण आवेश को रखेंगे, और जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर बल लगेगा, इस पर बल लगेगा। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर बल जो लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश कैसा आवेश है, धन आवेश है, प्लस ये है ही, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि वास्तव में बल कैसा लगेगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि बल लगेगा, और वो बल जो लगेगा अगर इस आवेश का मान हम बोले क्यू, अगर इस आवेश का मान बोले क्यू और यहाँ पर परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, तो यहाँ पर जो लगने वाला जो बल होगा वो कुछ ना कुछ होगा, और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, आर है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की बात करते हैं, तो हमको अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम यहाँ पर परीक्षण आवेश रखेंगे, और जैसे ही परीक्षण आवेश रखेंगे उस पर लगेगा बल, और उस बल में अगर हम परीक्षण आवेश भाग दे दें, अगर उस बल में हम परीक्षण आवेश भाग दे दें तो उस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। परीक्षण आवेश पर जो लग रहा है बल वो कैसी राशि होगी, बल सदिश राशि होगी, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। मात्रक की बात कर लेते हैं तो मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम्ब, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब। अगर हम इसके बीमा की बात कर लें, बीमा क्या होगा, तो बीमा क्या होगा, न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो बल की बीमा कितनी होती है, एम एल टी के पावर माइनस टू। और आवेश, अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि आवेश बराबर होता है क्यू इक्वल टू आई टी, आई का होगा बेटा ए और टी का क्या होगा, कैपिटल टी, तो ए टी से डिवाइड कर देंगे तो आपको बीमा मिलेगा एम एल टी के पावर माइनस थ्री और ए के पावर माइनस वन। ये बीमा हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है एक्चुअल में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। मात्रक इसका क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम्ब होगा। बीमा मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ये तो परिभाषा की बात हो गई। तो न्यूमेरिकल छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि वास्तव में E का मान होगा कितना, तो ये होता है F अपॉन Q नॉट। F का मान कितना होगा,
के Q1 का मान कितना है? Q है। Q2 का मान कितना है? Q0 है, अपॉन दूरी कितनी है? R स्क्वायर है, और बटे Q0 से हम लोग भाग दे देंगे तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमको E बराबर कितना मिल जाएगा? K Q अपॉन R स्क्वायर। और K के बारे में मैं चर्चा पिछले क्लास में कर चुका हूँ, ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल K। यहाँ पर जो कैपिटल K होता है ये समानुपाती नियतांक होता है, स्मॉल K जो होता है वो परावैद्युतांक होता है माध्यम का, और इसके बारे में भी चर्चा किया था अगर आपको याद हो तो। वायु निर्वात के लिए कितना होता है? स्मॉल K का मान 1 होता है, और शुद्ध जल के लिए कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। और निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ी सी थ्योरी थी, इसके बारे में समझ लिया हम लोगों ने कि वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, कैसी राशि होती है। और साथ में हम लोगों ने इसके दो फॉर्मूले देखे, या तो आपका न्यूमेरिकल E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट पर आएगा, या तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पर आएगा, ठीक है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या है उसको समझते हैं अच्छे से। तो कुछ बातें और भी याद रखिएगा, क्या परीक्षण आवेश क्या होता है भाई? परीक्षण आवेश क्या होता है? सूक्ष्म परिमाण का धनात्मक आवेश होता है। इस पे अब आते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल ये है कि अगर हमसे कहा जाए कि यहां पर 10 कूलाम का आवेश है और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर आप निकालो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि धन 10 कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं और हम दो ही फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब भी हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और एक हम लोग यूज करेंगे E इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। और के बारे में हमने कहा था कि कुछ भी नहीं दिया होगा तो कितना होगा? 9 × 10⁻⁹ होगा, ठीक। तो Q का मान कितना दिया हुआ है? 10। हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे बस वैल्यू लिखेंगे। और 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करना मेरे हिसाब से कि आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मात्रा क्या लिखेंगे यहाँ पर? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बड़ा आसान क्वेश्चन, कि अगर हमने एक वैद्युत क्षेत्र है और उसके किसी बिंदु P पर हमने एक आवेश रखा है +2 μC का। कितना आवेश रखा है? +2 μC का आवेश रखा है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर +2 μC का आवेश रखने पर उस पर जो बल लगता है वो 10 न्यूटन का बल लगता है। कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का बल लगता है, इसका मतलब F का मान कितना हो गया? 10 न्यूटन। और +2 μC में ये किसका मान हो जाएगा? Q नॉट का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? F अपॉन Q नॉट। तो F का मान 10 और Q नॉट का मान कितना होगा? 2 μC है, तो माइक्रो को बदलेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 = 10, तो यह आएगा 5 × 10⁶, मात्रक तो वही रहेगा न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो बेसिक क्वेश्चन जो एनडीए के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब हम एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं एयरफोर्स के क्वेश्चन में, तो हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। चलो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हमको देखना है वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर से तो जब वैद्युत विभव को समझना है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझना है, यानी वैद्युत विभव के बारे में समझना है। हमने एक आवेश लिया, इसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र जो बना है, अब इस बिंदु पर यानी बिंदु A पर हमने अभी थोड़ी देर पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, अब हम निकालने जा रहे हैं वैद्युत विभव।
तो वैद्युत विभव निकालने के लिए फिर से वही काम, परीक्षण आवेश लेंगे, लेकिन इस बार परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर न रख के, परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर न रख के हम लोग क्या करेंगे, अनंत पर रखेंगे। अनंत क्या है? अनंत है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो, वो इसके लिए अनंत हो गया। ठीक है, तो इस अनंत पे हमने परीक्षण आवेश को रखा, और परीक्षण आवेश को मैं जब यहां से उठा के यहां तक लेके आया तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य में हम क्या कर दें, परीक्षण आवेश भाग दे दें, तो उस बिंदु पर मुझे क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि परिभाषा फिर से वही कहानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी आवेश का ये जो वैद्युत क्षेत्र है उसके किसी बिंदु ए पर अगर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, तो परीक्षण आवेश को हम अनंत से उस बिंदु तक लाएंगे और देखेंगे कि कार्य कितना करना पड़ रहा है, और उस कार्य में क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे किसका, परीक्षण आवेश का। तो मुझे उस बिंदु पर क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव मिल जाएगा। ठीक है, तो परिभाषाओं में कुछ और भी कहानियां कई बार आप देखेंगे कि क्यू नॉट का मान हम लोगों ने क्या ले लिया, एक कूलम, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकांक परीक्षण धनावेश। तो परीक्षण धनावेश तो पहले ही से था, और जब हम इसके परिमाण को एक कूलम कर दिए तो ये क्या हो गया, एकांक हो गया। तो वी बराबर क्या मिल जाएगा, वी बराबर डब्ल्यू मिल जाएगा। परिभाषा बदल गई। परिभाषा क्या कहती है कि वैद्युत विभव जो होगा वो कार्य के बराबर होगा, लेकिन कैसा कार्य कैसा होना चाहिए, एकांक परीक्षण धनावेश को कहां से कहां तक, अनंत से उस बिंदु तक लाने में। मतलब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो जो कार्य होता है, कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है, आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो ये विभव भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक, तो मात्रक की अगर बात हम लोग करेंगे तो मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, और इसमें संबंध भी है, एक वोल्ट बराबर, संबंध भी कभी कभी पूछ लेता है, तो एक जूल प्रति कूलाम। ठीक है, और वोल्ट बार बार आप लोगों ने सुना होगा तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा, लेकिन अभी भी क्या है कि स्थिर विद्युत का कॉन्सेप्ट अभी बढ़ा रहे हैं, तो अभी इसमें हम लोग आवेश को गतिमान नहीं करेंगे, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि वास्तव में वैद्युत विभव क्या होता है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा, वैद्युत विभव को समझा, उसी तरीके से हम लोग वैद्युत विभवांतर समझेंगे, फिर हम लोग यहाँ से समझेंगे कि वास्तव में ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हम लोग जो भी बैटरी बनाते हैं तो एक धन को बनाते हैं और एक ऋण बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इसका अगर न्यूमेरिकल अगर इस पर आपसे पूछा जाए तो एक फार्मूला तो बन गया वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और जो दूसरा फार्मूला बनेगा अगर हम लोग किया गया कार्य निकालेंगे, अभी हम आगे जाके निकालेंगे जब हम लोग स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, तो जो किया गया कार्य होता है यहाँ पर वो होता है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर होता है, और बटे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर सॉरी नहीं होगा आर होगा, तो यह आएगा आपका के क्यू अपॉन आर होगा, और के बारे में चर्चा हो ही चुका है कितना होता है, 1/4πε0 k। ठीक है, तो अब इसमें भी दो तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे, उसको भी हम लोग देख लेंगे बड़ा आराम से। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहले जो पहला न्यूमेरिकल है, जैसे कहा जाए आपसे कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर एक आवेश लाया जाता है, और वो आवेश जो लाया जाता है तो उसमें हमें जो कार्य करना पड़ता है वो 10 जूल का करना पड़ता है। कार्य कितना करना पड़ता है, 10 जूल का, और जो आवेश लेकर आ रहे हैं वो है +2 μC। ठीक है, जो आवेश लेकर आ रहे हैं
वो कितना है प्लस 2 माइक्रो कूलम। तो अब हमको अगर यहाँ पर निकालना है कि आखिर में कार्य कितना होगा, तो कार्य यहाँ पर दिया हुआ है 10 जूल और परीक्षण आवेश का मान कितना दिया है 2 माइक्रो कूलम दिया और प्लस में। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो प्लस और माइनस नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो प्लस और माइनस था वो केवल बस दिशा बताएगा कि दिशा क्या होगी, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, ये अधिश राशि है। और इस वाले चैप्टर में आपको इस यह प्लस और माइनस ये बताएगा कि इसका नेचर कैसा है, और नेचर से मेरा तात्पर्य है कि जो वैद्युत बल रेखाएँ बनती हैं वो कैसी बनेंगी, ये सब चर्चाएँ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बाद में करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर वैद्युत विभव निकालना है वी इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कितना होगा, डब्ल्यू का मान उन्होंने 10 दिया हुआ है और क्यू नॉट का मान कितना होगा 2 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो को बदल लेंगे 10^-6, तो आपका ये आ जाएगा 5×10^6। और मात्रा क्या होगा, जूल पर कूलम लिख लीजिए, चाहे क्या लिख लीजिए, बोल्ट लिख लीजिए, तो 5×10^6 बोल्ट। तो तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं, जूल भी हैं, कूलम भी हैं और बोल्ट में। तो कभी कभी बोल देता है कि जूल कूलम और बोल्ट में कैसा संबंध होता है, क्या संबंध होगा, चार ऑप्शन रहेंगे उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना रहेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप वहाँ से ये संबंध भी निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पर हमने एक आवेश रखा हुआ है और इस आवेश का जो मान है वो है -10 माइक्रो कूलम, और कह दिया गया कि बताओ भाई इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, -10 माइक्रो कूलम का एक आवेश है और इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो बिंदु P पर विभव कितना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास दूसरा भी है, क्या है, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो के का मान हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो क्या लेंगे, 9×10^9 लेंगे, और यहाँ पर देखिए आवेश का मान क्या दिया है, माइनस में कि प्लस में, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -10 और माइक्रो का मतलब 10^-6 और बटे दूरी कितना 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की क्या करेंगे 10^-2 से गुणा करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको सिंपली मिल जाएगा -9×10^9, यहाँ पर देखिए एक घातांक यहाँ जुड़ेगा +1 -6, और ये 10^-2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो -9×10^10 12 में से 6 जाएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं अभी बेसिक लेवल पे, कि दो तरीके के क्वेश्चन क्या बनते हैं वो समझ में आ गए। तो कभी कभी फॉर्मूले में कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो थोड़ा सा मैं ये फॉर्मूले एक साथ कलेक्ट करके लिखवाता हूँ आपको। तो एक साथ सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हम लिख देते हैं। तो अगर कूलम के नियम की बात करेंगे तो अभी तक मैंने जो फॉर्मूले पढ़ाए जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए, पहला फॉर्मूला आपको पढ़ाया है क्यू इज इक्वल टू +-ne, अगर आपने सारे वीडियोज देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो दूसरा होगा फॉर्मूला है कूलम के नियम वाला, यहाँ पर तो ये आवेश की बात हो रही थी, कूलम वाला याद आ रहा होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना आर स्क्वायर। जो तीसरा फॉर्मूला होगा मैंने आपको पढ़ाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो फॉर्मूला था एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसको लिखा था सॉल्व करके तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। और चौथा फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और यह आया था के क्यू अपॉन कितना आर। आप देख रहे हैं यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है आर है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कैसी राशि है, मैंने यहाँ पर केवल परिमाण लिखा है, क्या लिखा है परिमाण। अगर मुझे इन सबको सदिश के रूप में व्यक्त करना हो, सदिश रूप में, ठीक है, तो सदिश रूप में अगर व्यक्त करना है तो F पर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे K Q1, आवेश हमारा जो होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, तो यह Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये क्या है R जो होता है ये हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन को भी बताएगा यहाँ पर, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आर स्क्वायर के साथ क्या लगाएंगे, एक आर कैप लगा देंगे। इस आर कैप को जब कभी डिस्कशन करेंगे हम लोग वेक्टर वाला चैप्टर, तो वहाँ बताएंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब कैप लगा देते तो उसे हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या करता है, एकांक सदिश क्या करता है, केवल और केवल दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा बताता है। और इसका परिमाण कितना होता है, परिमाण इसका कितना होता है, एक होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे r कैप लिखना है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r वेक्टर अपॉन r, क्या लिख सकता हूँ, r वेक्टर अपॉन r, ठीक है। तो ये फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, k q1 q2 अपॉन
r स्क्वायर और यहाँ r कैप को क्या लिख देंगे, r वेक्टर अपॉन कितना r, तो ये r और ये r स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर r क्यूब हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, तो कभी कभी सदिश रूप में पूछ सकते हैं, कभी कभी सदिश रूप में। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, वेक्टर e इज इक्वल टू कितना, वेक्टर f अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे k, और यहाँ पर क्या आ जाएगा q अपॉन r क्यूब, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, ठीक है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो यहाँ पर ऐसा कोई चर्चा होगा नहीं। तो कभी कभी सदिश के रूप में पूछते हैं। तो ओवरऑल अगर हम चर्चा करें, जितना मैंने पढ़ाया, जहाँ पे भी आपको कैपिटल के मिल रहा है, कैपिटल के क्या था, समानुपाती नियतांक था, और इसका मान फिर मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के होता है। इस एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की वैद्यशीलता, और के क्या था, परावैद्युतांक था। स्मॉल के क्या था, परावैद्युतांक था, और स्मॉल के का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो गलतियां हो जाती हैं जनरली, तो ये सब चीज़ों को हमको डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ये परावैद्युतांक है, अगर इसके बारे में, अगर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मुझे इसे समझाना है, तो मैं आपको धारिता वाले चैप्टर में समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, समझाया इतनी बात। तो आप लोगों को मैंने सब कुछ, सारे फॉर्मूले अभी तक जितना पढ़ाया है मैंने एक साथ ब्रीफ करके दे दिया। मैंने आपको न्यूमेरिकल इस पर कराया है, मैंने आपको न्यूमेरिकल इस पर भी कराया है, मैंने आपको न्यूमेरिकल इस पर भी कराया है, और मैंने आपको न्यूमेरिकल इस पर भी कराया है, इस पे और इस पे, इस तरीके के, इतने के तरीके के न्यूमेरिकल हो गए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कौन सा, यानी कि सदिश रूप में कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से निरूपण है। तो वहाँ पर अगर आपको पता रहेगा, आइडिया रहेगा कि जो ये आर कैप होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, जब वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो समझ में आराम से आएगा। और ये अगर कभी आपने सुना होगा एकांक सदिश के बारे में, तो एकांक सदिश आपने पढ़ा होगा आई जे और के, तो इसके बारे में चर्चा डिटेल में हम लोग करेंगे। तो अभी तक की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है आपको, वो इतना पढ़ाया है कि कूलाम का नियम क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र का क्या कॉन्सेप्ट है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपसे बताया कि जितनी भी सदिश राशियां होंगे वहां पर प्लस और माइनस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जब अगर वही अदिश की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर प्लस और माइनस लेंगे, ठीक है। तो अभी तक की क्लास में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, और फिर हम लोग वैद्युत बल रेखाएँ, वैद्युत प्रेरण, ये सब बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।